नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं भाई न्यूज का 12 मई शुक्रवार का बुलेटिन। खबरों को देखने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास हेडलाइंस पर। द्रोणावत हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीतू गुर्जर गिरफ्तार। महालोक में अब ड्रेस कोड और एक ही कलर में दिखेगी ई रिक्शा। कम वजन की शिकायत पर ड्राई फ्रूट शॉप पर कार्रवाई। चिंतामन गणेश रेलवे स्टेशन के नए भवन का लोकार्पण। मुरम बिछाते समय बिजली का तार टूटा, चपेट में आए युवक की मौत। वही जानते हैं खबरों को विस्तार से। फ्रीगन क्षेत्र में राजू द्रोणावत की सरेआम गोली मारकर हत्या करने वाले मास्टरमाइंड जीतू गुर्जर को विशेष पुलिस बल ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस को देखकर विक्रमनगर ब्रिज से छलांग लगा दी, जिसमें उसके दोनों घुटने टूट गए। फिलहाल उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। दरअसल 4 मई को फ्रीगंज स्थित मुंगी चौराहे पर बाइक से आए दो बदमाशों ने राजू द्रोणावत नामक शख्स की रंजिश के चलते सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने अभी तक 9 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 6 को गुरुवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। वहीं हत्या के मुख्य षड्यंत्रकर्ता बाबू भारद्वाज को पैर में गोली लगने के कारण इलाज के लिए इंदौर भेजा गया है। हत्याकांड में 2 आरोपी जीतू गुर्जर और विजय भदाले की पुलिस को तलाश थी। शुक्रवार को SIT को सूचना मिली कि हत्याकांड का मास्टरमाइंड जीतू पिता अंबाराम गुर्जर निवासी हरिनगर विक्रमनगर क्षेत्र से पैदल जा रहा है। इसी पर महाकाल TI मुनिंद्र गौतम, जीवाजीगंज TI गगन बादल, चिंतामन TI जीवन भिंडोरे और माधवनगर थाने की टीम ने सुबह करीब 10:30 बजे विक्रमनगर क्षेत्र की घेराबंदी की। जीतू ने जब विक्रमनगर ब्रिज के दोनों ओर से पुलिस को अपनी ओर आता देखा तो नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसके पैर के दोनों घुटने टूट गए। इस कारण वह भाग नहीं सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी कर पूछताछ करेगी कि हत्या के बाद उसने कहां कहां फरारी काटी। गुर्जर की गिरफ्तारी के बाद हत्याकांड में आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। पुलिस दल ने गंभीरता से काम करते हुए और निर्देशन में काम करते हुए आरोपियों की धरपकड़ शुरू की और इसमें पहले भी 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी, 1 उपचाररत है। आज जो मुख्य आरोपी था, जिसने पिस्टल से फायर किया था, उस आरोपी की सूचना जो है विक्रमनगर ब्रिज के पास में होने की थी। इसमें महाकाल TI मनेन्द्र गौतम, TI जीवाजीगंज गगन बादल, चिंतामन जीवन भिंडोरे और माधवनगर की टीम जो है वो मौके पर पहुंची और घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान आरोपी जो है विक्रमनगर ब्रिज से टूट गया। इसके दोनों घुटनों में चोट लगी है, जिसको उपचार के लिए जो है जिला चिकित्सालय उज्जैन भर्ती। अभी तक 8 आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और 1 आरोपी जो है, ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। जेल में भी इनकी आपसी रंजिश थी और प्रॉपर्टी विवाद के, आपस में लेन देन की बात को लेकर भी विवाद था, इस कारण इन्होंने षड्यंत्र रच के और गोली मार दी थी। फ्रीगंज स्थित ड्राई फ्रूट्स की दुकान पर शुक्रवार दोपहर नापतोल विभाग की टीम ने काजू और पिस्ता के पैकेट जब्त कर सैंपल लेने की कार्रवाई की। एक ग्राहक ने दुकान से 250 ग्राम का ड्राई फ्रूट का पैकेट खरीदा था, लेकिन उसका वजन कम निकला, जिसकी शिकायत उसने नापतोल विभाग को की, जिसके बाद इस कार्रवाई को विभाग ने अंजाम दिया। इंदौर रोड स्थित हाई राइज बिल्डिंग में रहने वाले अरविंद सिंह नील ने गुरुवार को फ्रीगंज के कमला नेहरू मार्ग स्थित लादूमल जैन एंड सन्स के 250 ग्राम के सॉल्टेड ड्राई फ्रूट के पैकेट खरीदे थे। दुकान पर ही जब नील ने पैकेट तोला तो उसमें वजन कम निकला, इसकी शिकायत नील ने नापतोल विभाग को की। शुक्रवार दोपहर नापतोल निरीक्षक संजय पाटनकर ने दुकान पर पहुंचकर काजू और पिस्ता के पैकेट की जानकारी ली तो 250 ग्राम के पैकेट का वजन कम आया। पैकेट पर उत्पादक और विक्रेता की जानकारी नहीं थी और MRP भी हाथ से लिखी गई थी। इस पर नापतोल विभाग ने प्रकरण बनाते हुए काजू पिस्ता के पैकेट सैंपल के रूप में लिए हैं। इस संबंध में जब दुकान संचालक लक्ष्य जैन से बात करना चाही तो उन्होंने इनकार कर दिया। सर, कल मैंने ये फ्रीगंज स्थित लद्दूमल एंड जैन कंपनी से सॉल्टेड काजू का पैकेट लिया। पेमेंट करने के बाद उसको इनके वेइंग मशीन पे तोला, उस पर 230 ग्राम वजन आ रहा था। मैंने इसकी शिकायत करी, उस समय तो इन्होंने तुरंत एक पैकेट निकाल के दूसरा दे दिया मुझे। ये शिकायत मेरे पास पहले भी हो चुकी है, पहले भी ले गया तो घर जाके तोला था, जब भी 230 ग्राम ही निकल रहा था। आज मेरी शिकायत पे नापतोल विभाग में शिकायत करी तो आज उन्होंने आके स्वयं जांच करी, 2-3 पैकेट में जांच करी, सब में वजन कम निकल रहा है। और पैकेट जो बनाए गए हैं नियम अनुसार इन्होंने पेन से ही लिख दिया है, सिर्फ वजन वो भी कम है और प्राइस भी पेन से लिख रखी है, जिसको जब चाहे बदल सकते हैं। शिकायत मिली थी कि पैकेज कमोडिटी के तहत पैकेज होते हैं, उसमें
कम मात्रा में माल आ रहा है, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई कार्यालय में। तो उसके संदर्भ में अभी आकर जाँच की हमने, जांच में काजू और काजू के पैकेट हो रही है, जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट है, इनकी जांच की, इनकी जांच की, तो इसमें 250 ग्राम उस पर वजन लिखा हुआ है। और जब उसकी जांच की तो वो पैकेट सही, उसका वजन 250 ग्राम निकला है, खाली पैकेट का वजन करीब 8 ग्राम निकला है। तो इस तरह से जो वजन लिखा हुआ है उससे भी कम मात्रा में ये प्रदायगी जैन पाया गया, मेरा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, कम मात्रा में प्रदायगी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सद्गुरुमल जैन एंड संस। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए, महिला संगीत पैकेज मात्र 1,00,000 में 200 व्यक्तियों के लिए, शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए, एसी नॉन एसी रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में, साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5,100 से शुरू। रखेगा होटल राजसागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल, तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राजसागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290 8109009505। महान लोक में एक ही ड्रेस कोड, एक ही कलर के ई रिक्शा संचालन एवं सिटी ट्रांसपोर्ट की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह फैसला सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोर्ड की बैठक में लिया गया है। शुक्रवार को शहर में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक संपन्न हुई। महाकाल लोक से शहर में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए कई फैसले लिए गए, जिसमें GCC मॉडल, क्रॉस कॉस्ट मॉडल पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किए जाने के लिए प्रथम फेज में 30 इलेक्ट्रिक बसें क्रय करते हुए 20 बसें शहरी मार्गों पर चलाई जाएंगी। UCTSL विभाग के सुचारू रूप से संचालन के लिए एक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा। शहर में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए PPP योजना के तहत निश्चित दूरी तय करने के लिए नॉमिनल शुल्क पर इलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध होगी। शहर में बढ़ते ई रिक्शा के कारण हो रहे अव्यवस्थित यातायात को देखते हुए एक ही रंग, एक ही ड्रेस कोड एवं ID कार्ड लगाकर ही निर्धारित गंतव्य तक ई रिक्शा का संचालन किया जाएगा। साथ ही ई रिक्शा वालों के द्वारा मनमानी राशि वसूल नहीं की जा सकेगी। साथ ही महिलाओं के रोजगार को ध्यान में रखते हुए पिंक ई रिक्शा का संचालन करने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम खेड़ला में घर के बाहर मोरम बिछाते समय बिजली का तार टूट गया, जिसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। भैरवगढ़ थाने के सहायक उप निरीक्षक ओम प्रकाश मालवीय ने बताया कि मृतक का नाम जितेंद्र, पिता गब्बाजी बंजारा, उम्र 25 वर्ष है। वह घर के बाहर मुरम बिछा रहा था, तभी बिजली का तार टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया है। हमारे भैरवगढ़ थाने का खेड़ला गाँव है, वहाँ पर जितेंद्र पिता गब्बाजी बंजारा है, सुबह बिजली करंट से इनकी मृत्यु हुई है। तार गिर गया इनके ऊपर घर के, बिजली का तो मुरम फैला रहे थे, उससे करंट लगा इनको, मृत्यु हुई है। चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन भवन, लेकोड़ा स्टेशन के नवनिर्मित प्लेटफॉर्म और फतेहाबाद चंद्रावती गंज स्टेशन की बायपास लाइन पर नवनिर्मित प्लेटफॉर्म का लोकार्पण शुक्रवार को सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन और महापौर मुकेश चटवाल ने किया। इस सौगात के लिए सर्वप्रथम सांसद अनिल फिरोजिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया। इसके बाद उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय का जिक्र करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में इसके लिए पहल शुरू हुई थी और उनके बाद हमने प्रयास किए, जिसके चलते यह सौगात आज हमें मिली है। उन्होंने कहा कि आगामी सिंहस्थ में यह लाइन काफी उपयोगी होगी। कार्यक्रम को विधायक पारस जैन ने भी संबोधित किया। इस मौके पर गणमान्य जन उपस्थित थे। आज मैं सर्वप्रथम तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी वैष्णव जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार व्यक्त करता हूं। उनके आशीर्वाद से आज हमको रेल चिंतामण रेलवे स्टेशन की सौगात मिली है। ये एक समय था जब यहाँ रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी और सड़क प्रस्तावित, लेकिन हमने जब ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी को कही तो उन्होंने जनता की मांग को मानते हुए इसको पुनः मीटर गेज से ब्रॉड गेज और ब्रॉड गेज से भी डबलिंग
यह स्वीकार करा और एक ये बहुत ही शानदार स्टेशन की हमको सौगात दी। आने वाले सिंहस्थ में हमको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है और जैसे भी महाकाल लोक का जैसे ही जिस दिन से लोकार्पित करा है माननीय प्रधानमंत्री जी से, उस दिन से यहाँ जनता भी 4 गुना बढ़ गई है, तो वो क्राउड मैनेजमेंट में भी यहाँ काम आएगा और तीर्थयात्री दर्शनार्थियों को इसके बहुत सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और अब खबरें दे दनादन। जिला निजी वेयर हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने FCI की मनमर्जी के खिलाफ अपर कलेक्टर को कोटी पैलेस स्थित कार्यालय में ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में बताया कि अधिकारियों द्वारा SOP के नियमों का नियत अवधि में पालन नहीं किया जा रहा है। राजनांदगांव में स्वर्गीय प्रार्थना सालवे स्मृति अखिल भारतीय आमंत्रण बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 17 मई तक होगा। इस स्पर्धा में उज्जैन सिटी सेंटर की 4 टीम के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। महापौर मुकेश रटवाल ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और मरीजों का हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्था भी देखी। इस दौरान उन्होंने उपस्थित डॉक्टरों एवं स्टाफ को व्यवस्थाएं बेहतर करने के निर्देश दिए। नयापुरा स्थित श्री श्रीयांश नाथ राजेंद्र सूरी जैन मंदिर में दिसंबर 2022 में चोरी की वारदात हुई थी। मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती पल्लवी ने आरोपी राजा उर्फ राजा बाबू पिता सुरेश सांगते निवासी हरिजन बस्ती भीरुनाला को 3 साल के कारावास और 1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी सावे रोड उज्जैन। ये था भाई न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।